हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल पे। मैं आज अरवी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं कि अरवी की सब्ज़ी कैसे बनती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं सब्ज़ी। आइए, ये अरवी मैंने धो के और काट ली थी, छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं मैंने इसके गोल गोल। और ये तेल मैंने गरम कर लिया है, इसमें डाल देंगे अरवी, इसको हम डीप फ्राई कर देंगे अरवी से। हम इसे तेज फ्लेम पे ही अरवी को जो है डीप फ्राई कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे ये रेड कलर की हो रही है। अभी हो चुकी है रेड, हम इसे निकाल देंगे। और इसी तेल में, बचे हुए तेल में हम जो है उसको बनाएंगे। और अरवी को हम कुकर में पकाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कढ़ाई में पकने में। तो आपको ही पता है कि सुबह के टाइम मुझे थोड़ा सा जल्दी होता है, तो मैं इसको कुकर में पकाऊंगी। सारे मसाले वगैरह कढ़ाई में ही भून के, प्याज डाल दिया मैंने इसके अंदर, प्याज और लहसुन दोनों को ही मैंने ग्राइंडर से ग्राइंड कर दिया था, और मैंने ये दोनों डाल दिए हैं। अब इसको लाल होने देते हैं। जब प्याज भुन जाएंगे तो इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। प्याज भुन चुके हैं, इसमें डालते हैं हम हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च डाल देंगे, और थोड़ी सी ही हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च। और फिर उसके बाद धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे इसमें हम। सारे मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे स्लो फ्लेम पर। फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर, और फिर इसमें डालेंगे हम नमक जो स्वाद अनुसार होगा। इसको मीडियम मीडियम नहीं, कम फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे धीमी आंच पर। जब मसाला पक जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे अरवी जो हमने पहले से फ्राई करके रख दी थी। इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। जब ये हल्का सा भून जाए तो इसमें डाल देंगे पानी। हल्का सा भुन गया है, इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से ही डाल सकते हैं, मैं इसमें कमी ही डाल रही हूँ। अब मैं इसको कुकर में पलट दूंगी और कुकर में लगा दूंगी मैं 2 से 3 सीटी, ताकि ये जल्दी से पक जाए। मैंने इसे कुकर में डाल दिया है और कुकर के ढक्कन को लगा दिया है। इसमें 3 सीटी आने तक मैं इसे पकाऊंगी। फ्लेम मेरा मीडियम ही रहेगा। ये देख सकते हैं आप, सब्ज़ी तैयार है। फ्रेंड्स, अगर चैनल रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।